फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। आज हम आपके लिए एसपीए क्लर्क प्री 2020 के लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए, जिसमें हम रीजनिंग के जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आपके बायलैंगुअल रहेंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, तो जल्दी से अटेम्प्ट करें। पहले वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लेके खुद से अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सेम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जल्दी से अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गगन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी से कहाँ जाना स्टार्ट करता है? वो साउथ की ओर। ठीक है, गगन पॉइंट सी पे है और वो साउथ की ओर जा रहा है। कितने मीटर? 12 मीटर। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 12 मीटर ही रीच्ड पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट डी पे पहुँच गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर टू रीच पॉइंट डी। फिर वो कहाँ मुड़ता है? लेफ्ट की ओर। साउथ की तरफ फेस है ना अभी इसका, तो इसका जो लेफ्ट है वो राइट बनेगा और जो राइट है वो लेफ्ट बनेगा। तो कहाँ टर्न करा है? लेफ्ट। कितने मीटर? 18 मीटर। चलिए, और कहाँ पहुँचता है? पॉइंट ई पे। देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। ठीक है, राइट टर्न लेके वो एफ पे पहुँचता है। कितने मीटर? 12 मीटर। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 24 मीटर टू रीच पॉइंट जी। फिर वो राइट टर्न लेता है और 24 मीटर चलता है और जी पॉइंट पे पहुँच जाता है। इतना 24। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी। डी की डायरेक्शन बतानी है पॉइंट जी से। चलिए तो बता दीजिए, इस तरह से जी से स्टार्ट किया, ये क्या आपका बना है? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 5, 8, 4, 6, 9, 3, 7, ईच ऑफ विच रिमेन सेम इन द नंबर एज वेन द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। ठीक है, सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, 5, 8, 4, 6, 9, 3, 7, और फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब घटते हुए क्रम में। तो चलिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो अब क्या बोल रहे हैं कि कितने ऐसे नंबर है जो अनचेंज रहेंगे, जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। देखिए, एक तो 8 की दिख रही है मुझे और एक 6 की दिख रही है, 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इनइक्वालिटी क्या पूछ रहा है, ओ इज ग्रेटर देन एच। तो देखिए, सीधा पहले हम यहीं से देखेंगे, ओ इज़ ग्रेटर देन एच, ओ इज़ ग्रेटर देन एच आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपस में जो है साइन क्या हो गया, उल्टे। तो ओ से एच तक या तो सीधा हमारे पास ये होता, यू इज इक्वल टू एच, तो ये हमारा जो होता करेक्ट होता। अगर बीच में ये भी आ जाता तो भी हमारा करेक्ट होता, पर हमें एक साइन तो ये चाहिए ही चाहिए। पर साइन ऐसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अगर ओ से लेके एच तक कुछ भी ऐसा आता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोई भी साइन उल्टे पुल्टे हो गए, तो वहीं पे हमारा जो कंक्लूजन है गलत है। तो ये जो हमारा फर्स्ट है ये तो हमारा यहीं पे गलत है। दूसरा देखिए, एस इज़ ग्रेटर देन बी, एस बी से बड़ा है, तो अब कनेक्ट करना पड़ेगा इनको। तो एस से बी तक कैसे जा सकते हैं? ये देखिए, ओ कॉमन आ रहा है इसमें, तो चलिए ओ वी और ये एस बी, एस वी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, हमें एक साइन ये चाहिए जो कि बिल्कुल हमारे पास आ रहा है और कोई उल्टे पुल्टे साइन भी नहीं है हमारे पास। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ये जो हमारा 2 है सही है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस।
नेक्स्ट देखिए, वी इज ग्रेटर देन एफ, वी से एफ तक जाना है, तो ठीक है क्या कॉमन आ रहा है, एच तो चाहिए, एच टी वी। अब क्या बोल रहे, वी इज ग्रेटर देन एफ, बिल्कुल सही आ रहा है, एक साइन हमारे पास आ रहा है ना ग्रेटर का, तो बिल्कुल सही है, वी इज ग्रेटर देन एफ। और दूसरा क्या है, टी इज ग्रेटर देन ओ, टी इज ग्रेटर देन ओ, तो चलिए ठीक है, एच सॉरी सॉरी ओ आई एच टी, तो टी इज ग्रेटर देन ओ, साइन तो है ये, पर क्या है ऐसा, आगे देखते हैं तो क्या है कि ये उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब इस तरह से, तो ये हमारा गलत है। और कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, एस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पी, अब एस से पी तक कैसे पहुँचेंगे हम, एस से पी तक कैसे पहुँचेंगे हम, क्या कॉमन है, एम, तो चलिए कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, एफ पी एम एस, ठीक है, तो क्या बोले, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट कंक्लूजन हमारे यहाँ पे सही है। सेकंड देखिए, एफ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी, तो ये बता रहा है कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको देखिए क्या एफ सॉरी लेस देन इक्वल टू टी है, एफ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो साइन है ये हमारे यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, फॉर देखिए जिनको सॉरी, एफ पी एम टी क्या बोल रहा है कि जो टी है वो एफ से बड़ा भी और इक्वल भी है, अगर हम यहाँ से देखते हैं सही जा रहा है, पर यहाँ पे ये साइन गड़बड़ कर गया, क्योंकि जब भी हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी हो, कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ कंडीशन फुलफिल करनी है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो हमारे पास ऐसा कुछ हो, सब ऐसा होना चाहिए, जैसे कि जैसे डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, तो ये हमारा है सही, अगर इस तरह से भी आ जाए इक्वल टू सी इक्वल टू का साइन और ये भी हो, दोनों चीज़ हो, तो ये भी सही, पर अगर इस तरह से आ जाए हमारा सी, ये साइन गड़बड़ करेगा, या तो इक्वल टू होना चाहिए या सेम एज इट इज़ होना चाहिए, तो ये हमारे पास सेम एट इज इज नहीं है, ना ही यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये गलत होगा हमारा, तो यहाँ पे भी ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से अटेम्प्ट करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, सेवन फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर हैविंग डिफरेंट हाइट्स, आर इज जस्ट टॉलर टू द वन हु इज ओनली टॉलर टू टू पर्सन, सात लोग हैं और क्या बोल रहा है, आर सिर्फ उससे बड़ा है जिससे सिर्फ कि दो लोग छोटे हो, मतलब जो सिर्फ दो लोगों से बड़ा है, चलिए आर तो यहाँ आएगा, आर उससे बड़ा है जो दो लोगों से बड़ा है, तो ठीक है आर इस पे आ जाए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, आर हमारा यहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यू इज टॉलर टू आर बट शॉर्टर टू वी, क्यू जो है वो आर से बड़ा है पर वी से छोटा है, हु इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब वी सबसे टॉलेस्ट नहीं है, तो वी यहाँ आएगा हमारा और क्यू जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन विच आर टॉलर टू वी आर सेम है शॉर्टर टू यू, यू से कितना लोग बड़ा है, एक, तो यू से कितने लोग छोटे होंगे, एक, तो यू हमारा आएगा यहाँ पे। पी इज टॉलर टू एस बट नॉट द टॉलेस्ट, पी एस से बड़ा है पर सबसे बड़ा नहीं है, तो पी फिर हमारा यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, बचा कौन हमारे पास, टी, तो ये बन गया आपकी अरेंजमेंट। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारे पास है एस, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन है ये हमारा, क्या बोल रहे हैं, सेवन पर्सन्स, सात लोग हैं, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ठीक है, बी इज द फादर ऑफ ए, बता दिए क्या, फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करते, बी फादर है ए का, ए का जेंडर अभी हमें नहीं पता, सी इज द फादर ऑफ डी, ना अभी हमें सी का पता ना ही डी का पता, हमें किसका पता है, हमें बी और ए का पता है, तो चलिए बी और ए से कनेक्ट करती कोई लाइन है क्या, देखिए स्टेटमेंट, बी ए है, ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ए का जेंडर पता चल गया, ए किस किस बहन है, सी की, चलिए सी, अब सी का भी हमने पढ़ा था, सी इज द फादर ऑफ डी, सी डी का पिता है, ठीक है, ई इज द मदर ऑफ एफ, अभी ई का नहीं पता और एफ का भी नहीं पता, डी इज द सिस्टर ऑफ एफ, डी एफ की सिस्टर है, ठीक है, डी एफ की, डी इज द सिस्टर ऑफ एफ, डी एफ की सिस्टर, एफ का जेंडर पे हमें नहीं पता, और ई कौन थी, एफ की मदर, ठीक है, तो ई सी की क्या बन जाएगी, वाइफ, और एफ की क्या है, मदर, ठीक है, जी इज द मदर ऑफ सी, जी सी की माँ है, तो जी सी की माँ है, जी का पिता कौन है, बी, तो इसकी माँ, इसकी बीवी, वाइफ कौन बन जाएगी, बी की, जी, ये सी की माँ है, ई हैज ओनली वन डॉटर, ई की सिर्फ एक बेटी है, तो एफ क्या बनेगा, बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी फैमिली ट्री जो है कंप्लीट होगी, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, एफ किस प्रकार संबंधित है जी से, तो एफ किस प्रकार, एफ का पिता है सी, सी की माँ है जी, तो एफ क्या लगा जी का, ग्रैंडसन, पोता, ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड लैंडस्लाइड, ईच ऑफ विच हैज मैनी हैज लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड हैज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए लैंड स्लाइड, चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो नंबर दे के भी आप कर सकते हैं, 12 11 14 4 19 9 4 5, कुछ मिस हो रहा है क्या, सॉरी 12, तो चलिए देखिए क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है 12 13 14, एक ये बनेगा आपका, और एक 4 5, और कुछ बन रहा है क्या, 12 13 14, नहीं, 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं सिर्फ दो ही बन रहे हैं आपके जो है पेयर्स, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 2। आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।